कांग्रेस पर मायावती के सवाल, कांग्रेस ने दायित्व नहीं निभाया। मायावती बीएसपी अध्यक्ष, उन्होंने हमला बोला है कांग्रेस पर और कहा 1995 में कांग्रेस से कुछ नहीं कहा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मायावती ने लिखा कि बीएसपी कई साल से जातीय जनगणना के लिए पहले केंद्र में कांग्रेस पर और अब बीजेपी पर भी अपना पूरा दबाव बना रही है, जिसकी पार्टी वर्षों से इसकी पक्षधर रही है तथा अभी भी है। लेकिन जातीय जनगणना के बाद क्या कांग्रेस एससी अनुसूचित जाति, एसटी यानी अनुसूचित जनजाति और ओबीसी यानी पिछड़े वर्गों का वाजिब हक दिला पाएगी? ये बयान मायावती का सामने आया है। वहीं कांग्रेस की ओर से इस पर क्या पलटवार किया गया है वो भी आपको सुनाते हैं। उस समय केंद्र में सरकार थी, यहाँ राज्यपाल श्री मोतीलाल वोरा जी थे। मोतीलाल वोरा जी ने मीरा बी गेस्ट हाउस में तत्काल सूचना मिलने पर पुलिस भेजी थी, पुलिस गई थी मौके पर। और यही नहीं, श्री मोतीलाल वोरा जी ने शपथ दिलाई थी मायावती जी को, जबकि इनके पास कुल 69 विधायक में भी कुछ विधायक टूट चुके थे। तो अब ये बात तो बेहतर है कि जो बीत गया वो बीत गया। कांग्रेस हमेशा न्याय के साथ थी, न्याय के साथ है और न्याय के साथ रहेगी। तो कांग्रेस और बीएसपी के बीच इस वक्त जुबानी जंग चल रही है। कांग्रेस ने दायित्व नहीं निभाया, मायावती ने यह दावा किया 1995 में कांग्रेस ने कुछ से कुछ नहीं कहा, मुझ पर हमला, लेकिन कांग्रेस मौन, और इस पर कांग्रेस की ओर से पलटवार किया गया है।